हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी चीज पास्ट में हो रही हो, जैसे कि वह खाना खा रहा था, जब मैं मार्केट गया था तो वो कहीं और गया जा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह आएगा तो आपका कहलाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस ये तो हम हिंदी में पहचान लेंगे, जब लास्ट में सेंटेंस में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपका कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में पहचानने का सिंपल सा तरीका, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? इसकी होती है वॉज और वर, वॉज वर। तो दो हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपल सी बात है, दोनों किस तरह से यूज होंगे? आपके सिंगुलर के साथ और एक प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ आपका यूज होगा वॉज और प्लूरल के साथ आपका यूज होगा वर। लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही ज्यादा एक नोटेड जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आई जो होता है, आई प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट में आता है, लेकिन आई का यूज, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, ना कि वर का। ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल पॉजिटिवली, आई वॉज होता है, आई वर नहीं होता। बाकी सभी में जैसे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और आई वॉज, बाकी वी वर, यू वर और दे वर ही होगा। मतलब प्लूरल में सिर्फ आई हट जाएगा आपका। ये चीज ध्यान रखना इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए पहुंचते हैं पहले सिंपल सेंटेंस पर। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आई एन जी आएगा। तो सिंपल है, जैसे हम कोई जैसे कि वह रो रहा था, या वह गाना गा रहा था, या मैं गाना गा रहा था। जैसे आप उस टाइम पे आते, उस टाइम पे मैं गाना गा रहा था, रहा था, तो मैं गाना गा रहा था, इसका क्या होगा? आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। जैसे कहते हैं ना यार, तुम, मैं जब गया था तब तुम क्या कर रहे थे? जब मैं नहा रहा था। तो नहा रहा था वो कैसे कहेंगे? आई वॉज टेकिंग वॉच। इसमें आपका आई वॉज टेकिंग वॉच आएगा। वॉच इट मतलब आपका क्या हो जाएगा? जैसे मैं नाश्ता कर रहा था तो आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। वॉट इट जैसे वह मार्केट जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट। वे लोग रो रहे थे या खेल, वे लोग रो रहे थे करते हैं, चलिए ठीक है, वे लोग रो रहे थे तो वे दे आर क्राइम, दे आर क्राइम। वॉट इट तो आपका होगा सिंपल सेंटेंस। अब हम पहुंचते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? यूनिवर्सल लॉ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल चीज है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, पिछले सेंटेंस की तरह ही हम चल रहे हैं। तो वॉज वर्ब का ध्यान रखना बस आपको, जैसे मैं गाना गा रहा था तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, मैं गाना नहीं गा रहा था, तो आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और वॉज नॉट को आप कर सकते हैं वॉजेंट, आई वॉजेंट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉजेंट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा था तो आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे दे मार्केट नहीं जा रहे थे तो दे वॉज, दे वॉज नहीं, यहाँ पे दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये मार्केट नहीं जा रहे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम लोग नहीं खेल रहे थे, सपोज करो हम लोग नहीं खेल रहे थे तो वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। हम लोग शोर नहीं कर रहे थे तो वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो सिंपल थिंग। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, और ये इसमें क्या होगा आपका? हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा आपका? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो क्या होगा? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, जैसे मैं गाना नहीं गा रहा था, नेगेटिव, जैसे क्या मैं गाना गा रहा था, क्या मैं गाना गा रहा था, तो वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, इट्स अ क्वेश्चन, वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। और जैसे क्या हम लोग शोर कर रहे थे, क्या हम लोग शोर कर रहे थे, तो वर वी मेकिंग अ नॉइज, वर वी मेकिंग अ नॉइज, क्या हम लोग शोर कर रहे थे, तो वर वी मेकिंग अ नॉइज। तो इज अ सिंपल एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस।
तो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे फर्स्ट में आ जाती है, बस सिंपल है, बाकी पूरा वही का वही फॉलो करना है। तो आपको प्रैक्टिस देम वेरी इजी, मतलब सबसे इजी माना जाता है ये टेंस, क्योंकि अधिकतर यूज और हम ये करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।